आज है 1 जुलाई और आज से बदलने जा रहे हैं कई नियम जो आप पर सीधे तौर से असर डालेंगे। इसलिए अपने सारे काम छोड़कर इस वीडियो को जरूर देखें। आज से बैंकों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ परेशान करेंगे। आज से NEFT और RTGS पर लगने वाला चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी पर ट्रांजैक्शन आपकी 5 से 50 रुपए तक की बचत होगी। वहीं आज से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होम लोन की ब्याज दरों को सीधा रेपो रेट से जोड़ देगा। रेपो रेट घटने बढ़ने पर आपकी EMI भी घटेगी बढ़ेगी। आज से बेसिक अकाउंट होल्डर्स को भी चेकबुक और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। इन सुविधाओं के बदले खाता धारकों के लिए कोई न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। आज से आपका रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपए 50 पैसे सस्ता हो जाएगा। दिल्ली में अब LPG सिलेंडर की कीमत सिर्फ 637 रुपए ही रह जाएगी। अगर आप PPF, सुकन्या और NSC में निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधान, आज से आपको झटका लग सकता है। सरकार आज से स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दर कम कर सकती है। जुलाई सितंबर की अवधि के लिए कटौती 0.30% तक हो सकती है। आज यानी 1 जुलाई से पेटीएम से लेन देन करना आपके लिए महंगा हो जाएगा। पेटीएम पर अब आपको क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट्स पर 1%, डेबिट कार्ड्स के जरिए 0.9%, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के जरिए ट्रांजैक्शन पर 12 से 15 रुपए तक का चार्ज देना होगा। आज से कार खरीदना भी आपके लिए महंगा हो जाएगा। ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और होंडा ने अपने पैसेंजर व्हीकल्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है। महिंद्रा ने 36,000 रुपए जबकि होंडा ने 1.2% तक कीमत बढ़ाने का फैसला लिया है। वहीं मारुति ने भी अपनी कॉम्पैक्ट सेडान डिजायर पर 12,690 रुपए की बढ़ोतरी की है। आज से रेलवे ने भी एक बदलाव किया है। आज से रेलवे ने नया टाइम टेबल लागू किया है। उत्तर रेलवे ने 267 ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। तो ये थी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। ऐसी ही खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे।